बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सी बी प्रजेंट। तो आज की जो नई अपडेट है वो आपको वैसे तो थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैंने किस बारे में ये वीडियो बनाने वाला हूँ या बनाई है। और इस बारे में इससे पहले मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं हैं, हमें भी आपकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो वीडियो शुरू ये करनी है कि हमें बहुत से लोग हैं जो हमारे जो भाइयों परेशान हैं कि जो हमारे वीज़ा सेंटर्स हैं वो कब ओपन हो रहे हैं या कब ओपन होंगे। तो इसका ज़्यादातर जो डेट है, जहाँ हॉट स्पॉट है, जहाँ हाईलाइट पे जो डेट आ रही है, वो आप सबको नज़रों में भी है कि 9 मई 2020 जो है इस डेट को खुलने के चांसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। इसमें VFS जो TCS है स्पेन वगैरह के लिए, स्पेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया के लिए, देन जेरी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डील कर रहा है, उसके बाद सऊदी अम्बेसी की जो है फ्रेंचाइज हैं और दुबई अम्बेसी की जो साशादार इंटरनेशनल है, जहाँ जेरी है, जहाँ जहाँ भी आप अपनी चीज़ों को अपने वेरिफिकेशन के लिए, लीगलाइजेशन के लिए और वीज़ा सेंटर जहाँ अपनी अप्लीकेशन को जमा कराते हैं। तो ये जितने भी ड्रॉबॉक्स हैं इनके ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपके 9 मई से तक। आपको अपडेट मिल रही है कि 9 मई को तकरीबन जितने भी सारे सेंटर्स हैं ये ओपन हो जाएंगे और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान में बाकी चीज़ें भी ओपन हो रही हैं। तो इसके साथ साथ एप्लीकेशन जमा कराने की भी टर्म एंड कंडीशन जो है वो चेंज होगी और उसके बारे में भी नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो उसके बारे में भी आप मेरे साथ अपडेट रहिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट उसका दूँगा और देता रहूँगा। आइंदा भी जो भी चेंजिंग आएगी और जो भी वो सी चीज़ें होंगी वो भी हम आपको इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी कुछ मालूम आपको मिल रही होगी। तो मेरी एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल के जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है जिसको हम सी बी डार्क के नाम से हम उसमें गेमिंग वगैरह करते हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो उसको भी चैनल को भी आप सपोर्ट करें। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।